स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ज्योग्राफी वाटर। इससे पहले हम ऑलरेडी वाटर चैप्टर की एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख ले, जिसमें हमने फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी का सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इज हाईली अनइवन थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। हम ये नहीं कह सकते, हमने फिक्स्ड नहीं कर रखा है। कुछ एरियाज हैं जहां पर क्या होता है, हैवी रेनफॉल के कारण गुड सरफेस वाटर फ्लो अच्छा होता है, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ग्राउंड फ्लोर रिजर्व इज आल्सो हाई ऑन अकाउंट ऑफ सीपेज थ्रू द सॉइल। हाउएवर एक्सेसिव रेनफॉल मे रिजल्ट इन फ्लड। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत सी बार कैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, फ्लड्स की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। वाटर में डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब हम कह सकते हैं कि पानी ही क्या करता है, किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय भी करता है, प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड बिकम अनयूजेबल ड्यूरिंग दैट पीरियड। जब फ्लड की केस की बात करें तो वो क्या बन गया, हमारे लिए अनयूजेबल बन गया। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड्स आर कॉमन इन ह्वांग हो बेसिन ऑफ चाइना। फ्लड्स हमें देखने को मिलते हैं, ह्वांग हो बेसिन जगह है चाइना के अंदर, बांग्लादेश और ईस्ट इंडिया, ये कुछ पार्ट्स है जहाँ पर फ्लड्स नेचुरल देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड, वास्ट एरिया सफर फ्रॉम अक्यूट वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्राउट्स। हमने पहले बात करी कि फ्लड्स आने से एक सिचुएशन हमने ये देखी। अब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर एक्यूट वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, ड्राउट कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब सूखा, अकाल पड़ना, जहां बोलते हैं कि पानी की कमी। तो ये कौन कौन से एरियाज हैं, ये आते हैं हमारे, दे इंक्लूड सहारा एंड क्लहारी डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, यहां देखने को मिलती है ये सिचुएशन, वेस्टर्न एशिया में देखने को मिलती है, और कुछ एरिड एरियाज होते हैं वेस्टर्न इंडिया के, यहां देखने को मिलती है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आपको दो नाम ये याद होने चाहिए कि कहां पर हमें एक्यूट वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और कहां पर हमें फ्लड्स की सिचुएशन देखने को मिलती है। आइए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। आर कंट्री इंडिया इज ड्रेन्ड बाय मेनी बिग रिवर्स। हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े मेजर रिवर हैं, जैसे इंदस वैली, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उनकी ट्रिब्यूटरीज लाइक सतलुज, यमुना, ड्रेन, नॉर्दर्न इंडिया। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू द सदर्न इंडिया। ये रिवर्स है जो कि हमारे सदर्न पार्ट्स में फ्लो करती हैं, एंड द नॉर्दर्न रिवर्स है हमारी जो पेरेनियल होती है, पेरेनियल का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं। तो दे शोर्स इन द ग्लेशियर ऑफ द हिमालयस। तो द सदर्न रिवर्स आर सीजनल, और जो सदर्न रिवर्स हैं उनको हम सीजनल बोलते हैं कि सीजन वाइज अकॉर्डिंग वाइज रेनफॉल वो डिपेंड करती है कि उसमें पानी कितना रहेगा, कितना भाव रहेगी। तो इंडिया ऑल्सो रिसीव्स गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट मानसून। इंडिया कंट्री को माना जाता है कि इंडिया के अंदर भी रेनफॉल जो होती है मानसून सीजन में अच्छी होती है। इन स्पाइट ऑफ दिस, आर कंट्री सफर्स फ्रॉम अक्यूट वाटर शॉर्टेज। ये होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर हमें वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कुछ एरियाज के अंदर। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? तो कुछ रीजंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीजन फॉर वाटर शॉर्टेज। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हमारे यहाँ पर रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। सेकंड, अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून रेन। पता नहीं रहता, अनसर्टन है मानसून रेन कब हो जाए, किस समय ना हो। कंसंट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द रेन विद इन 4 months ऑफ रेनी सीजन। बहुत सी बार रेन की कंडीशन इस तरीके से होती है, 4 महीने तक लगातार बारिश भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये सारे अनसर्टन रीजंस हैं जिसके कारण हमें वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो एज अ रिजल्ट, द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज ऑल्सो हाईली अनरिलायबल। तो हम जो सप्लाई होती है फ्रेश वाटर की, वो हम नहीं कह सकते कि रिलायबल है, हम उसको अनरिलायबल मानते हैं। तो लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन आर कंट्री रिक्वायर्स हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। अब एक तो हमारे पास लिमिटेड लैंड रिसोर्स है और हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो दोनों ही चीजों में हमें किन की जरूरत पड़ती है, हमें हाई प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की जरूरत पड़ती है। अब दिस रिक्वायर्स एडिक्यूट सप्लाई ऑफ वाटर। अब क्रॉप्स लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडिक्यूट सप्लाई होना चाहिए वाटर का, जिससे कि इरीगेशन फैसिलिटी अच्छे से कर पाए हम लोग। तो दिस रिक्वायरमेंट इज मेट थ्रू वेल्स। अब इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, वेल्स, ट्यूब वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। द इंदिरा गांधी कैनाल, अपर डोब कैनाल, भाकरा कैनाल एंड अपर गंगा कैनाल आर सम ऑफ द मेजर कैनाल्स ऑफ इंडिया। ये कुछ मेजर कैनाल्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स अक्रॉस रिवर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लगाए काफी सारे, जिससे कि हमें वाटर की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो जो ऑब्जेक्टिव थे ओवरऑल मैनेजमेंट का वाटर रिसोर्स का, वो कंट्रीज के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हुए। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, दे हैव बीन कॉल्ड टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एज दे हैव लेड टू ऑलराउंड डेवलपमेंट। इनफैक्ट इनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी
कहा गया है क्योंकि ये हमारे मॉडर्न डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल साबित हुए। अब क्या क्या बेनिफिट्स हुए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के? फर्स्ट, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरीगेशन। थर्ड, फ्लड का कंट्रोल हुआ इसको करने से। नेविगेशन फैसिलिटीज में मदद मिली। प्रमोटिंग फिशरीज। एफॉरेस्ट्रेशन, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज को हम एफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। मल्टीपर्पज वेरी प्रोजेक्ट से इससे हमें फायदा हुआ। सॉइल कंजर्वेशन एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज, ये सारे बेनिफिट्स हमें मल्टीपर्पज रिवर वैली से पूछे गए। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट गिव्स अस बाय मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो आपको इनमें से कोई से भी पॉइंट्स लिखकर आने हैं एग्जाम के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।